हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एडोबी आफ्टर इफेक्ट का मोशन ट्रैकिंग के बारे में जो है बताने वाला हूँ। तो किस तरह से हम अपनी वीडियो फुटेज का जो है ट्रैक कर सकते हैं, सीन को जो है ट्रैक कर सकते हैं, मोशन ट्रैक कर सकते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट में, और उस ट्रैक के जगह पर जो है हम कुछ भी ऑब्जेक्ट हुआ या फिर टेक्स्ट हुआ, तो बहुत सारे चीज़ जो है ये ट्रैकिंग जो है बहुत ही यूज़फुल है। और आप अगर एडोबी आफ्टर इफेक्ट एडिट कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है जिससे जो है आपको आगे की वीडियो एडिटिंग में बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर पीसी की ओर, वहाँ जो है पूरा इन्फॉर्मेशन जो है आपको मैं देने वाला हूँ किस तरह से हम मोशन ट्रैकिंग करते हैं अपने वीडियो फुटेज को और उस पर जो है हम क्या क्या कर सकते हैं। तो भाई लोग, अभी जो है हम अपने एडोबी आफ्टर इफेक्ट में आ गए हैं अपने कंप्यूटर पे। तो ये एक वीडियो फुटेज जो है मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से जो है हम अपने वीडियो फुटेज को जो है ट्रैक कर सकते हैं, मोशन ट्रैक कर सकते हैं। दरअसल ट्रैकिंग जो है दो तरह का होता है एडोबी आफ्टर इफेक्ट में, एक है मोशन ट्रैकिंग और दूसरा है कैमरा ट्रैक। तो यहाँ अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ ट्रैक कैमरा है और ट्रैक मोशन है। तो आज जो है मैं आपको मोशन ट्रैकिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम अपने वीडियो फुटेज को लेके यहाँ ड्रैग करके जो है यहाँ ड्रॉप कर देंगे तो ये हमारा जो है कॉम्पोजिशन एक बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मेरा फुटेज है और क्योंकि इसमें जो है कैमरा का मूवमेंट है तो यहाँ जो है आपको बताने में या समझाने में मुझे आसानी होगी कि किस तरह से जो है हमको कैमरा ट्रैक जो है वो करना है, सॉरी मोशन ट्रैक जो है करना है और इससे हम जो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम जहाँ से हमारा कैमरा मूवमेंट होता है उस फुटेज को ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझाना है ट्रैकिंग के बारे में। तो यहाँ से कैमरा जो मूव हो रहा है तो चलिए यहाँ से जो है इस फुटेज को लेते हैं और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं। नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मगर मैं कंट्रोल शिफ्ट टी दबा के जो है इसको स्प्लिट कर देता हूँ और नीचे वाला लेयर को जो है डिलीट कर देते हैं। इसके बाद में हमारा जो है यहाँ से कैमरा मूवमेंट चालू है। ठीक है, तो ठीक, अब यहाँ से हम अपने कीबोर्ड पे एन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसको ट्रिम टू वर्क एरिया, तो ये हमारा कॉम्पोजिशन इतना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये हमारा वीडियो फुटेज है, इसको हम सिलेक्ट करने के बाद में अपने माउस पे हम क्लिक करेंगे राइट क्लिक, तो यहाँ पर आपको जो है ट्रैक मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर अगर आप इस तरह राइट साइड के पैनल में अगर देखें इस तरह का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ ट्रैक का ऑप्शन आएगा, या फिर इस वाले आइकॉन को भी क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आएगा। तो ट्रैक वाले ऑप्शन में आप अपने सबसे पहले अपने वीडियो लेयर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ ट्रैक मोशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने वीडियो लेयर को जो है अपने माउस पे राइट क्लिक करके जो है यहाँ पर भी जो है आप ट्रैक मोशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो जैसे भी करके आप करेंगे, मतलब जो भी ऑप्शन जिस तरह से भी आप करना चाहेंगे तो आपका जो है ट्रैक मोशन जो मोशन ट्रैकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये हमारा जो ट्रैक पॉइंट एक बना है, तो हमको जो है यहाँ पर अब सोचना ये है कि हम सिंगल फ्रेम जो है लेंगे तो इसमें जो है यहाँ आप देखेंगे तो इस बॉक्स में जब हम ट्रैक मोशन कर रहे हैं तो यहाँ पर तीन बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। एक है सिर्फ फ़िलहाल जो है सिर्फ पोजीशन पे जो है ये फिक्स है, यानी कि राइट क्लिक है। तो अगर हमको सिर्फ पोजीशन किसी चीज़ का पोजीशन ही ट्रैक करना है तो हम इसको जो है सिर्फ सिंगल पॉइंट से कर सकते हैं, या फिर हमको चाहिए कि मान लीजिए कि कोई एक बैनर है या कोई फ्रेम है जिसको हमको ट्रैक करना है। अब मान लीजिए कि ये वॉल है, ठीक है, इस वॉल को ट्रैक करना है हमको और इस जगह में हमको कोई बैनर वगैरह लगाना है, तो तब जो है हम रोटेशन स्केल वगैरह जो है हम पोजीशन रोटेशन और स्केल को जो है हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम सिर्फ पोजीशन को ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि कैसा हमारा जो है ट्रैकिंग होता है और इससे हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है इसको पकड़ के आप छोटा बड़ा जो है कर सकते हैं, साइज जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं, और जो सेंटर में आप यहाँ प्लस का आइकॉन देख रहे हैं तो ये जो है इसका ट्रैक पॉइंट है।
तो यहाँ पर जो है हमको हमारा माउस का कर्सर ले लेना है। तो उसके बाद में यहाँ देख लीजिए, इस तरह से अगर क्लिक करके आप इसको मूव करेंगे तो यहाँ थोड़ा जूम हो गया आपको जो इस तरह से नज़र आएगा। तो आपको जो है सबसे पहले सिलेक्ट करना है अपने ट्रैक का पॉइंट। तो हमेशा जो है आप सिलेक्ट कीजिए ऐसा कोई पॉइंट जो थोड़ा डार्क हो, ठीक है, तो डार्क हो या फिर कोई हाईलाइटेड चीज़ हो जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैं इसको ट्रैक करता हूँ और यहाँ पर पोजीशन मैंने सेट कर लिया है। तो ये जो बॉक्स है, तो ये जो एरिया है इसको जो है ट्रैक करेगा और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ नीचे आपको जो है कुछ और ऑप्शन नज़र आएगा। तो यहाँ जो है आप फ्रेम बाय फ्रेम क्लिक करते हुए जो है अपने ट्रैक को देख सकते हैं कि कहीं आपका ट्रैक जो है वो मिसमैच तो नहीं हो रहा है। तो अगर मिसमैच होता है तो तब जो है आप यहाँ से इसको पकड़ के जो है एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर राइट प्ले है और लेफ्ट प्ले है। अगर आपको जो है फॉरवर्ड यानी कि आगे तरफ की तरफ अगर आपको ट्रैक करना है तो इसको राइट प्ले में फॉरवर्ड में जो करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है 1 बाय 1 फ्रेम जो है आपका ट्रैकिंग कर लेगा, मोशन ट्रैक कर लेगा उस पॉइंट को। तो यहाँ जो है थोड़ा ट्रैकिंग अपना मिसमैच दिखा रहा है, तो हम इसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं किसी वजह से अगर हमारा ट्रैक अगर मैच नहीं हो रहा है तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपने जो माउस के स्क्रॉल बटन है उसको हम स्लाइड करके जो है जूम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो है हमारा पॉइंट है जो इसको सेंटर में होना चाहिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के इसको सेंटर में दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये आ रहा है कि जब हम इसको ये पकड़ के इसको सेट कर रहे हैं तो ये जो है सेंटर में दिखा रहे हैं, यानी कि ये ठीक है, इसमें आपका जो ट्रैकिंग है करेक्ट हुआ है। तो हमारा जो है फ़िलहाल ये सिर्फ पोजीशन जो है इसका जो पोजीशन है हमने सेट मतलब ट्रैक हो चुका है। अब हमको जो है इसको किस तरह से इस जगह पे हमको कोई भी चीज़ जो है लगा सकते हैं या फिर कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह जो है लगा सकते हैं तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारा फ़िलहाल जो है ट्रैकिंग हुआ है। अब हमको क्या करना है, लेयर में जाना है, यहाँ से न्यू सिलेक्ट करेंगे और न्यू के बाद यहाँ से जाएंगे हम नल। तो हमारा जो है एक नल क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से एडिट टारगेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है हमारा ऑटोमेटिक नल सिलेक्ट है। आप अगर सिलेक्ट नहीं रहेगा तो यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो आपको फ़िलहाल जो है हमारे पास 2 लेयर है, इस वजह से जो है 2 लेयर शो हो रहा है, मल्टीपल लेयर रहेगा तो वो सारे लेयर जो आपको नज़र आएंगे। तो आपका जो नल रहेगा आपको उसी को जो है सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में ओके पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो है एडिट टारगेट में नल 1 जो है ये सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ से जो है हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एक्स एंड वाई सिलेक्टेड है, अगर नहीं है तो देख लीजिएगा, आपको जो है एक्स एंड वाई पे रहना है और इसको जो है ओके कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा जो ट्रैक पॉइंट बना था वो नल जो है नल पे सारा डेटा जो है ट्रांसफ़र हो गया है। अब यहाँ पर अगर मैं अपने वीडियो के स्लाइड को करूँ तो आप देख सकते हैं कि उस पोजीशन को जो है हमारा नल जो ये नल जो है ये किस तरह से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैक पॉइंट बन चुका है। अब हम इस जगह पर जो है कुछ भी चीज़, कुछ इमेज हो या कुछ कुछ भी चीज़ अगर हम कुछ लगाना चाहते हैं तो हम उसको कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ एक इमेज जो है ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से कोई इमेज एक ले लेते हैं। तो मैं ये ट्रांसपेरेंट जो ट्री है इसका एक PNG इमेज ले लेता हूँ और इसको पकड़ के जो है हम ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अब इसको कीबोर्ड पे S प्रेस करेंगे तो स्केल आ जाएगा। इसको मान लीजिए कि हम यहाँ पर सेट करते हैं इस तरह से।
तो हमने जो अपना ट्री है उसको इस पोजीशन में सेट कर दिया है। अब हम अगर इसको ये करें तो देखिए जो अपना जो ट्रांसपेरेंट ट्री है वो जो है इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्री में ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसको पकड़ के आप यहाँ से लेके नल पे छोड़ सकते हैं, ड्रैग करके छोड़ सकते हैं, या फिर जैसे ये ट्री है यहाँ आपको ये ऑप्शन आ रहा है तो नल में है, तो इसको क्लिक करने के बाद हम जो है इसको ट्रैक जो है नल को सिलेक्ट कर देंगे। तो इससे ये होगा कि जो आपका ट्री का पोजीशन है वो नल को फॉलो करेगा। तो अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारा जो ट्री है वो देखिए नल को फॉलो कर रहा है, यानी कि उस जगह पर जो है हमारा ट्री पोजीशन जो है सेट हो चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक हमने जो एक ट्रांसपेरेंट ट्री जो है सेट किया था वो यहाँ सेट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ चाहें तो कोई टेक्स्ट वगैरह भी जो है लिख सकते हैं, टेक्स्ट को अगर कुछ फॉलो करना है टेक्स्ट तो वो भी हम कर सकते हैं। तो चलिए मैं कोई टेक्स्ट जो है यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये हमारा टेक्स्ट है। तो अब टेक्स को हम क्या करेंगे, अब टेक्स का जो पोजीशन है या तो हम यहाँ नन है यहाँ से हम जो है नल को क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इसको पकड़ के हम नल को फॉलो कर सकते हैं। अब हम इस टेक्स को थोड़ा सा सेट कर देते हैं कि कहाँ रहना चाहिए। ठीक है, हमने इसका जो पोजीशन सेट कर दिया, अब देखिए हमारा जो टेक्स भी है ना वो इसको फॉलो करेगा, यानी कि उस नल को जो है पेरेंट कर दिए हैं। तो इस तरह से जो है हमारा टेक्स भी जो है वो फॉलो कर रहा है नल के पोजीशन को। तो ये है कि हम किस तरह से हम अपना मतलब ट्रैक मोशन कर सकते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट में, और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। आप अगर किसी भी तरह का एडिटिंग वगैरह करते हैं ना तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ये टेक्निक जो है यूज़ होता है और बहुत ही काम का चीज़ है। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों को इसके बारे में जो है ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। तो ये हमारा हुआ सिर्फ पोजीशन ट्रैक। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जो है इसका जो स्केल रोटेशन वगैरह है उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम फिर से हम अपने वीडियो लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ट्रैक पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ट्रैक मोशन हमने किया था, ट्रैक कैमरा कर सकते हैं, नहीं सॉरी, ट्रैक मोशन के फिर से जो है हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब जो है हम यहाँ रोटेशन और स्केल को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है हमारा ट्रैक पॉइंट, दो ट्रैक पॉइंट बन के आ रहा है। अब हमको जो है दो स्पेसिफिक जगह जगह जो है उसको हमको ट्रैक करना है। तो फिर से हम इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और यहाँ से माउस में क्लिक करके यहाँ एक पोजीशन जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से हमको ट्रैक करना है। तो यहाँ मैंने सिलेक्ट कर दिया और दूसरा पोजीशन जो है उसको भी हमको सिलेक्ट करना है, कहीं पॉइंट करना है जहाँ हमारा जो है ट्रैक हो सके। ठीक है, तो इसको भी चलिए हम यहाँ इस वाले पॉइंट में सिलेक्ट कर देते हैं। तो अभी जो है हमारा दो पॉइंट सिलेक्ट हो गया है। अब हम इसको जो है फ्रेम बाय फ्रेम हम इसको ट्रैक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा ट्रैक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि इस पोजीशन में आने के बाद में ये जो ट्रैक पॉइंट है वो मतलब डिसपेयर हो गया है, तो सही से ट्रैक हो नहीं पाया है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसके लिए जो है सही पॉइंट जो है होना चाहिए। तो चलिए हम
स्टेप बाय स्टेप जो है इसको ट्रैक करते हैं। सो गाइस यहाँ तक जो है मैं अपने वीडियो फ्रेम को रखता हूँ, यहाँ से इन पे प्रेस करके जो है मैं इसको ट्रिम टू वर्क एरिया कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो यहाँ पर जो है हमने दो पोजीशन को ट्रैक कर लिया है और ये हमारा जो है पोजीशन स्केल रोटेशन और स्केल तीनों को ही ट्रैक कर रहा है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस हमको करना है, फिर से हम जाएंगे लेयर में एक न्यू और हमको क्रिएट करना है एक नल ऑब्जेक्ट। तो इस टाइम जो है नल ऑब्जेक्ट नल टू हो गया है। अब यहाँ से हम एडिट टारगेट पे जाएंगे, अब जो है हमको सिलेक्ट करना है नल टू, ताकि जो है हमारा जो भी ट्रैकिंग डाटा है वो नल टू पे जो है आ जाए। अब इसको हम जो है ओके करेंगे और यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे, एक्स एंड वाई ओके। तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए कि नल पे जो है जितना स्केल है, रोटेशन है और जो पोजीशन है, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर ट्रैक हो गया है, यानी कि पूरा डाटा जो है यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से हम अगर मूव करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा सेकंड नल है और ये जो है इस तरह से ट्रैक कर रहा है इस पोजीशन को, और यहाँ पर जो है रोटेशन स्केल वगैरह सारा चीज़ जो है ये ट्रैक करेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर चलिए फिर से कोई इमेज वगैरह जो है ले लेते हैं एक इमेज। तो यहाँ मैं एक इमेज ले लेता हूँ और इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये एक इमेज है, तो चलिए इसको जो है थोड़ा सा स्केल छोटा कर देते हैं। अब इस इमेज को जो है मेरे को यहाँ पर सेट करना है। मान लीजिए कि ये एक वॉल है, इसको मुझे बैनर की तरह सेट करना है। अब यहाँ से मैं आर थोड़ा प्रेस करके इसको रोटेशन वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। तो राइट, तो कुछ इस तरह से जो है मैंने इस इमेज को सेट कर दिया है। अब जो है मैं इसको पैरेंट करूँगा नल टू के साथ, यहाँ से लेके पकड़ के यहाँ जो है नल टू पे मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ आप देख लीजिए नल टू जो है सिलेक्ट हो गया है। अब हम जो है इसको प्ले करते हैं, तो यहाँ आप देख लीजिए इस तरह से जो है हमारा इमेज जो है इस नल टू जो ट्रैक पॉइंट है उस पर ये इस तरह से आ रहा है, ट्रैक हो रहा है। तो दोस्तों ये है मोशन ट्रैकिंग। तो इस तरह से जो है आप किसी भी वीडियो फुटेज को जो है मोशन ट्रैकिंग करके वहाँ कुछ भी ऑब्जेक्ट वगैरह टेक्स्ट वगैरह जो है इस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे इसके जो है यूज़फुल है, हर वीडियो में जो है अलग अलग तरह का है, मगर ये एक टिप है। तो इसके ज़रिए जो है आप बहुत कुछ कर सकते हैं मोशन ट्रैकिंग। आने वाले टाइम में जो है आपको कैमरा ट्रैकिंग ट्रैक कैमरा जो है उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो उसका जो है किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। छोटा छोटा वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि जो है आने वाले टाइम में जब मैं कोई बड़ा वीडियो का ट्यूटोरियल लूँ तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ जो है समझने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, आप जो है इसके बारे में जानते रहें। तो भाई लोग ये था एडोबी आफ्टर इफेक्ट का एक छोटा सा बेसिक ट्यूटोरियल। उम्मीद है कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हर इंटरेस्टिंग वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ तो उसका उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।